लड़की के आर्म प्रीत लगे हैं कीड़े, और हमारा बेलचा वाला कटर बड़े वाले कीड़े को एक ही बार पे काट के निकाला। रतीला वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से ट्रीटमेंट किया। और ये होल वाला ड्राइवर हो गया, ये भी सेफ तरीके से रिमूव हो चुका है। क्रोमो वाला चाकू हमारा बहुत ही सेफ तरीके से कीड़े को रिमूव किया। हमारा बड़ा वाला रेतीला वाला चाकू भी रेत के चला गया ट्राइफोफोबिया को। और ये भी होल वाले ट्राइफोफोबिया थे जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं। और हैंड वाला चाकू हमारा ब्लैक वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव कर चुका है। और ये होल वाला ट्राइफोफोबिया ये भी रिमूव हुए आसानी से। रेतीला वाला चाकू हमारे रेड वाले कीड़े को सेफ तरीके से रिमूव किया। और ये कुछ घिनौने टाइप के कीड़े थे जो कि हमारे बड़े वाले चाकू ने रिमूव किया। और ये छोटे छोटे होल वाले ट्राइफ हो गया वो हमारे ब्लैक वाले चाकू ने रिमूव किया। आंख वाले कीड़े को हमारे पत्ते वाले चाकू ने रिमूव करके ट्रीटमेंट किया। और ये ब्लैक वाला ट्राइफोफोबिया काफी खतरनाक था। हमारा चिमटी कीड़े वाले गवत को रिमूव कर रहा है धीरे धीरे। और ये वाला कीड़ा ये भी निकल चुका है। लास्ट वाला ये भी पकड़ा गया। और ये तीनों भी नीचे गिर चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। आगे हमारा दवा, और देखिए पूरी ही आर्म प्रीत पे दवाई लग चुकी है। आ जाएगा हमारा कॉटमूल रुई जो कि हम लोग अब टाइमर चलाएंगे। बहुत ही सेफ तरीके से हमारा टाइमर भी चलना चालू हो गया है। और फाइनल टाइमर खत्म होने के बाद आप लोग देखते हैं आर्म प्रीत का ट्रीटमेंट एनिमेशन हो चुका है कि आर्म प्रीत पे लगे हैं कीड़े। और देखिए हमारा बेलचा वाला कटर बहुत ही सेफ तरीके से बड़े वाले कीड़े को रिमूव कर चुका है पूरी तरह। और देखिए हमारा चाकू चींटी वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव कर चुका है एक ही बार में। और ये बड़े वाले जख्म वाला कीड़ा भी देखिए बहुत ही सेफ तरीके से बड़े वाले चाकू ने काट के रिमूव किया। और देखिए चीटी वाला वायरस था जो कि ये भी बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव हो चुका है पूरी तरह। और ये ब्लैक वाला ट्राइफोफोबिया वाला कीड़ा था जो कि ये भी सेफ तरीके से रिमूव हो चुका है पूरी तरह। और ये रेड वाला कीड़ा भी बहुत ही औसम तरीके से रिमूव हो चुका है।
और ये रेड वाला होल वाला कीड़ा भी क्रोम वाला चाकू ने बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया। और ये देखिए ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े भी बहुत ही सेफ तरीके से कट चुके हैं। और ये बड़ा वाला चाकू ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े को रिमूव किया। और ये हमारा गोल्डन वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया कुछ कीड़े को। और ये देखिए रेतीला वाला चाकू छोटे छोटे कीड़े को रिमूव कर चुका है। और सिल्वर वाला चाकू भी होल वाले कीड़े को रिमूव किया। और देखिए बड़े वाले चाकू ने बड़े वाले कीड़े को रिमूव किया, पतला वाला चाकू आया हमारा। और ये पील वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया। हम लोग इस पे दवा लगाएंगे। और देखिए क्रीम वाला दवाई लग चुकी है बहुत ही सेफ तरीके से। आगे हमारा कॉटन बुल रोई और हम लोग अब टाइमर चलाएंगे। तो फाइनली टाइमर चलना चालू हो गया है। तो फायर टाइमर ख़त्म हुआ, आरडी पे लगे हैं कीड़े। और हमारा पतला वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से घिनौने टाइप के कीड़े को रिमूव कर चुका है। और ये हमारा बड़ा वाला चाकू जो कि है ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े को निकाला एक ही बार में। और कुछ घिनौने टाइप के कीड़े थे जो कि रिमूव हो चुके हैं। और हमारा हेड वाला चाकू भी बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया कुछ कीड़े को। और इसके चिक्स वाले कीड़े गिरे। और हेड पे भी लगे हुए थे कीड़े, ये भी रिमूव हो चुके हैं आसानी से। और ये चींटियों वाले वायरस भी सेफ तरीके से रिमूव हो चुके हैं। और ये हमारा काफी निकोइला वाला चाकू था जो कि सेफ तरीके से रिमूव किया कुछ कीड़े को। और ये हमारा पतला वाला चाकू भी ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े को निकाल चुका है। और ये कुछ घिनौने टाइप के कीड़े थे जो कि सेफ तरीके से कट चुके हैं। और देखिए हमारा गोल्डन वाला चाकू चींटियों सहित ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े को निकाला। और देखिए ब्लैक वाले कीड़े भी रिमूव होके गिर चुके हैं पूरी तरह।
क्रोमा वाला चाकू पूरे जख्म वाले कीड़े को, हैंड पे लगे हुए कीड़े को निकाला। आगे हमारा दवा, और देखिए इसके हैंड पे भी हम लोग दवा लगा देते हैं और हमारे दवाई का काम ख़त्म हो चुका है। आगे हमारा कॉटन बोल रुई, और हम लोग अब टाइमर चलाएंगे और टाइमर चलाने के बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट हमारा क्या निकलता है। तो फाइनल टाइमर ख़त्म हो चुका है और अब देखते हैं कि आर्म प्रीत पे लगे हैं कीड़े। और देखिए हमारा चिमटी रेड वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव कर रहा है, और देखिए इस वाले कीड़े को भी सेफ तरीके से फेंका। और अभी ये लास्ट वाला कीड़ा बचा हुआ है, इसको भी देखिए सेफ तरीके से रिमूव कर चुका है पूरी तरह। आ गया हमारा बेलचा वाला कटार, और ये बड़े वाले होल के वाले कीड़े को एक ही बार में फ्रीज करके गिरा चुका है। आ गया पतला वाला चाकू, और हमारा पतला वाला चाकू रेंगने वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से निकाल चुका है पूरी तरह। और ये हमारा ट्राइफोफोबिया वाला कीड़ा था जो कि सिल्वर वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया। और ये ट्राइफोफोबिया वाले छोटे छोटे कीड़े थे जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं। तो देखिए हमारा पतला वाला कटर बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया कुछ कीड़े को। और ये हमारा कटर था जो कि सेफ तरीके से निकाला। और देखिए ट्रीटमेंट करने वाला चाकू था जो कि ट्रीटमेंट करके चला गया। और देखिए पतला वाला चाकू ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव कर चुका है पूरी तरह। और ये काफ़ी बड़े बड़े ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े हैं जो कि रिमूव हो चुके हैं एक ही बार में। और ये ब्लैक वाले कीड़े हैं जो कि ये भी सेफ तरीके से रिमूव हुए एक ही बार में। तो देखिए हमारा पतला वाला चाकू ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े को काट के निकाल चुका है पूरी तरह। और ये बड़ा वाला ट्राइफोफोबिया पूरी तरह निकल चुका है, रिमूव हो चुका है। और देखिए छोटे छोटे मैंगोर्स वाले कीड़े भी रिमूव हो चुके हैं। अब हम लोग दवा लगाएंगे इसके पूरे ही आर्म प्रीत पे। तो देखिए आर्म प्रीत पे दवाई लग चुकी है, और अब लोग अब कॉटन बोल रुई लेके आएंगे और इसे पूरी तरह साफ करेंगे। तो देखिए टाइमर भी चलने लगा है। तो फाइनली आप लोग ग्रो और हैंड पे हुए हैं कीड़े। और देखिए हम लोग चिमटी के माध्यम से इस ब्लैक वाले कीड़े को रिमूव करेंगे बहुत ही सेफ तरीके से, और इस लड़की के पूरे हैंड और क्रो को पूरा का पूरा हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे आज बहुत ही सेफ तरीके से। और देखिए हमारा हैंड वाला चाकू आया जो कि होल वाले कीड़े को काटा। और ये दूसरे वाले होल वाले कीड़े को बहुत ही औसम तरीके से काट के गिरा चुका है। आगे हमारा दूसरा वाला चाकू, जो कि देखिए रेड वाले कीड़े को बहुत ही औसम तरीके से काट के निकाल चुका है पूरा का पूरा। और इस वाले भी कीड़े को रिमूव किया एक ही बार में। और देखिए हमारा पतला वाला चाकू भी सेफ तरीके से काटा। तो फाइनली देख सकते हो गिर चुके हैं बहुत सारे कीड़े, कट के रिमूव हो चुके हैं। और देखिए मैंगोस भी रिमूव हुए।
और कुछ मैंगोर्स इसके दूसरे वाले हैंड पे लगे थे जो कि ये भी रिमूव हो चुके हैं। और देखिए हमारा गोल्डन वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से काम किया अपना। और इस रेड वाले कीड़े को भी बहुत ही सेफ तरीके से काटा हमारे गोल्डन वाले चाकू ने। ये ब्लैक वाला फंगल वाला कीड़ा भी कट के निकला। और दूसरा वाला भी फंगल वाला कट के निकल चुका है एक ही बार में। और ये जख्म वाले कीड़े थे ये भी रिमूव हुए। और ये दूसरी जगह भी जख्म वाले कीड़े थे जो कि ये भी सेफ तरीके से रिमूव हो चुके हैं। और अभी ये लास्ट वाले कीड़ा है ये भी रिमूव हुआ। और ये दूसरे वाले भी हैंड वाले चाकू को काट दिया। आ गया हमारा दवा और दूसरे हैंड पे भी दवा बहुत ही सेफ तरीके से लग चुका है। और आ गया अब हमारा कॉटन वुल रुई। तो देखिए बहुत बड़ा है कॉटन वुल रुई हमारा। तो देखिए हम लोग टाइमर भी चला देते हैं। टाइमर चलाने के बाद देखते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है पूरे ही क्रो पे और पूरे पूरे हैंड पे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा कीड़े लग चुके हैं जो कि हम चिमटी के माध्यम से देखिए कुछ कीड़े को रिमूव करेंगे, बाकी के कीड़े को हम लोग चाकू के माध्यम से रिमूव करेंगे। और देखिए हमारा लास्ट वाला कीड़ा था जो कि ये रिमूव हो चुका है हमारे चिमटी के माध्यम से। आगे हमारा बड़ा वाला चाकू। और देखिए इस होल वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से काट दिया है। और ये सिंग वाले कीड़े को भी एक ही बार में निकाल चुका है पूरा का पूरा। तो ये पूरे जख्म वाले कीड़े लग चुके थे जो कि ये भी निकल चुके हैं पूरे के पूरे। देखिए हमारा चाकू बहुत ही सेफ तरीके से काटा, भी एक कीड़ा बचा है। तो ये भी कीड़ा बहुत ही सेफ तरीके से निकल चुका है बहुत ही औसम तरीके से। आ गया क्रोम वाला चाकू हमारा। क्योंकि इस टाइप ऑफ फोबिया वाले कीड़े को एक ही बार में रिमूव कर चुका है पूरा का पूरा। हैंड वाला चाकू भी निकालेगा। तो देखिए हैंड वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से निकाल चुका है कुछ कीड़े को ये भी। और ये ट्राइपोपोबिया वाले कीड़े बहुत ही ज़्यादा लग गए हैं इसके पूरे ही हैंड एंड क्रो पे। और ये देखिए ग्रेनेड टाइप के कीड़े भी गिर चुके हैं। अभी कुछ और कीड़े बचे हुए हैं ये रेड वाले कीड़े। तो देखिए रेड वाले कीड़े भी निकल के गिर चुके हैं पूरे के पूरे सेफ तरीके से। आ गया रेतीला वाला चाकू हमारा। देखिए इसके हेड पे लगे हुए कीड़े को भी निकाल दिए हम लोग। और ये पिंक ट्राइफोफोबिया भी निकल चुका है ऑसम तरीके से। आ गया हमारा ब्लैक वाला चाकू। और देखिए ब्लैक वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से निकाल चुका है कीड़े को एक ही बार में। और ये देखिए लीज लीजी वाले कीड़े थे जो कि ये भी निकल चुके हैं। आ गया हमारा सेफ वाला चाकू जो कि डीप क्लीन करता है। और देखिए पूरी तरीके से ये भी काट के निकाल दिया है पूरे कीड़े को। अभी कुछ कीड़े बचे हुए हैं। और ये घिनौने टाइप के कीड़े एक ही बार में कट के गिरे।
और देखिए एक हैंड तो बिल्कुल ही डीप क्लीन हो चुका है, लेकिन अभी एक हैंड में बचे हैं कीड़े। तो देखिए स्प्रे हम लोग डाल देते हैं पूरे ही हैंड एंड क्रो पे। देखिए क्रो पे लगे हैं कीड़े जो कि हम लोग रिमूव कर चुके हैं, अभी इसका भी रुई के माध्यम से रिमूव करेंगे। तो देखिए रुई आ गया हमारा। तो देखिए टाइमर चल चुका है,